उज्जैन जिला प्रशासन ने लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है। बता दें, इस अभियान के तहत विशेषकर महिलाओं को जागरूक करने के लिए जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी एक साथ एक मंच पर आए। अभियान के तहत मुख्य रूप से महिलाओं ने जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में उज्जैन IG ने अनूठी पहल की शुरुआत करते हुए हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। और आगे की ओर बढ़ते हुए ये प्यारे प्यारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। आप सब लोग भारत माता की, भारत माता की। इसका मूल उद्देश्य लोगों में एक जागरूकता लाना है, महिलाओं के प्रति सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये एक अभियान पूरा चलाया जा रहा है। साइकिल रैली इसमें अपनी एक महती भूमिका का निर्वहन करेगी। बहुत सारे इसमें कार्यक्रम हैं जो हम लगातार कर रहे हैं और जिसमें कि हमारी निबंध प्रतियोगिताएँ भी होंगी, हमारी बच्चियों के बीच में जाकर उनको उनके अधिकारों के प्रति सजग किया जाना उसके बारे में बात होगा, साइकिल रैली भी होगी, पोस्टर बैनर, हर तरह से जिन जिन तरीकों से हम जनता के बीच में जा सकते हैं और इसको एक सामाजिक स्तर पर एक अभियान के रूप में चलाकर महिला अपराधों को हम रोक सकें, महिलाओं के प्रति सम्मान पूरे समाज का जागृत कर सके, इसके लिए ये पूरा अभियान मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाया जा रहा है और जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वयं की गई थी। हम इस पूरे अभियान के दौरान असली हीरो जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में स्वयं आगे आए और उन्होंने एक लीक से हटकर अलग काम किया हो, इसकी भी हम पहचान कर रहे हैं और उनको हम जरूर 26 जनवरी के दिन ऐसे असली हीरो को सम्मानित करेंगे। JSR टाइम्स के लिए उज्जैन से कार्तिक गाडेकर की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।